चीजें मिलवाने जा रहा हूँ। सो टेंटेड है। नमस्कार, अपना दोस्तों, मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से फाइनली रवि भैया से मिलकर बहुत। सो गाइस, यहाँ से हमारा शूट स्टार्ट हो गया था राजा भाई के साथ में, और बहुत ही जबरदस्त इस ब्लॉग में मजा आने वाला है। सो बने रहिएगा कंटिन्यू। हे एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रवि सागर डबल एट। सो सबका वेलकम है मेरे चैनल में। सो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, मैं किस किस से मिला जाके, राजा ब्लॉगर भाई और ऋषभ भाई से किस किस से मिला जाके, बहुत सारी इस ब्लॉग में मस्ती आने वाली है। सो इसी तरह से कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलते हैं इस टाइम पे हम लखनऊ की ओर। चलो, अभी मैं पैकिंग करनी है मुझे, तो मैं अभी पैकिंग कर लेता हूँ कि क्या क्या मुझे लेके जाना है यहाँ से, क्योंकि पूरा वीडियोस के प्लान से जा रहा हूँ मैं। सो इसी तरह से बने रहिएगा, दिखाता हूँ आगे का नजारा। चलिए हम करते हैं पैकिंग। इस यहाँ पे मैं अभी पैकिंग कर रहा हूँ पूरे, मतलब क्या क्या मुझे लेके जाना है। तो देखिएगा, पूरा एकदम से फैला हुआ है, काफी सारा सामान एकदम से फैला हुआ है। इधर भी देखिएगा, मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो से रिलेटेड जा रहा हूँ, तो उसी तरह से मुझे कपड़े पैकिंग करके लेके जाना है कि कितना सामान की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि भाई जब हम बनाते सूट वूट करते हैं ना, तो भाई मतलब बहुत सारी चीजों की ऐसी जरूरत पड़ती है जो हम बाद में याद आता है कि वो हम ले आते। इसलिए मैं अपने 4 बैग लेके जाऊंगा। ये हो गया, ये हो गया, और वो हो गया। मैं 3-4 बैग लेके जाऊंगा ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। चलो गाइस, ठीक है, देख सकते हैं मैं सारा पैकअप अभी कर रहा हूँ, तो कर लेता हूँ। करने के बाद में फिर मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ सारे बैग रेडी कर। देखिए गाइस, कितना सारा कुछ लेके जाना है मुझे, ये देखिएगा। पूरा एकदम से वीडियो बनाने के लिए गाइस क्या क्या करना पड़ता है, ये देखिएगा। पूरा अभी पैकिंग करने के लिए बाकी है, 4-4 बैग लेके जाने हैं मुझे। सो इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ज्यादा मजा और मस्ती आने वाली है। सो गाइस, फाइनली मेरे सारे बैग रेडी हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब यानी कि मुझे 5 बैग लेके निकलना है। अभी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सूट करने वाला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियोस देखने के लिए मिलने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, मैं चलता हूँ अभी नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं अभी नहाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन मेरे साथ में और जा रहा है, कौन कौन जाने वाला है। गाइस, जैसे हम निकलने वाले थे घर से, वैसी लाइट चली गई, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है। तो ये देखिएगा, मेरे साथ में जा रहा है सुमित, एंड ये दिखाऊं प्रियंका, इतनी काली अंधेरे में दिखती नहीं है, दिखती नहीं है, इतनी छोटी वाली बात। सो गाइस, बिल्कुल अंधेरा है, ये फोन की लाइट है, पूरा बैग वैग सब कुछ एकदम जा रहे हैं। बने रहिएगा, पूरा दिखाऊंगा कहाँ जाने वाले हैं, किसके पास जाने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों से मैं मिलाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। सो इसी तरह से बने रहिएगा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सामने, ठीक है, बने रहिए। चलो मम्मी, चलो तुम जाओ, हम ना जाएं। चलो चलो गाइस, ठीक है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और ये रहे हमारी फैमिली के सारे लोग, और जहाँ मैं जा रहा हूँ बहुत अच्छा अच्छा सूट करने वाले हैं ना प्रियंका। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा सूट मिलेगा आप लोग के लिए देखने के लिए। फाइनली गाड़ी भी आ गई, तो चलो यहाँ से रवाना होते चलते हैं, दिखाता हूँ आगे का नज़ारा, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, मुलाकात होती है बाद में। ये हमारा चीकू, मिस करूंगा इसके लिए। सो गाइस, यहाँ से हम निकल गए थे घर से, रवाना हो गए कानपुर के लिए। कानपुर से फिर हमें कन्नौज भी जाना है। तो रास्ते में जाते जाते बहुत तेज़ी वाली भूख लग रही थी हमें, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नाश्ता मंगाया। प्रियंका को बहुत तेज़ी से भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने बहुत कुछ मंगाया। ये देखिएगा, सुमित भाई, जुनैद भाई, इनको भी भूख लगी थी, और बहुत ही टेस्टी वाली पकौड़ियाँ आई थी, और उसके साथ में थी कॉफ़ी। तो यहाँ पे हम आनंद ले रहे थे, और मज़े लेने के बाद में फिर हम यहाँ से चलते हैं कानपुर के लिए। सो गाइस, फाइनली हम लोग कानपुर में एंट्री कर चुके हैं, और जहाँ हमें जाना है सूट के लिए। देखिएगा, बहुत ही प्यारा व्यू है, इसे पता नहीं क्या हो, कौन सा पुल बोलते हैं इसको, क्या, गंगा बैराज। अच्छा, गंगा बैराज पुल पे हैं इस टाइम पे हम, काफी अच्छा लग रहा है। कौन कौन कानपुर से है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी दिखाता हूँ आगे का भी नजारा, बने रहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह हो गई है चलते चलते, और हम लोग यहाँ पे रुके हैं हाईवे रोड में। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, गाड़ियाँ चल रही हैं कंटिन्यू। यहाँ पे हमने कहा था थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रुक जाते हैं, अभी चलते हैं। यहाँ से रह गया, मतलब जहाँ हमें जाना है 15 किलोमीटर की दूरी पे रह गया यहाँ से। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा, अभी मैं मतलब बहुत सारे लोगों से मिलने वाला हूँ, और बहुत अच्छा अच्छा शूट करने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस, बहुत अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ आप लोग के लिए देखने के लिए मिलने वाली हैं इस बार, है ना। अच्छा अच्छा वीडियो मिल जा रहा है ना, मजा आएगा इस बार आप लोगों के लिए बहुत। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरा गला खराब हो चुका है इस टाइम पे, बताऊं तो। देखो, अब धीमे धीमे बारिश हो रही है, मौसम देखो बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है, कसम से ऐसा ही मौसम रहे तो शूट करने का आनंद ही अलग ही आएगा एकदम से। सो बने रहिएगा, यहाँ से चलिए हम रवाना होते हैं। ले लिया मतलब मज़ा यहाँ के, और मज़ा आया बहुत ज़्यादा, बने रहिए, ठीक है।
जुनैद भाई की तबीयत खराब हो गई है। हाँ, उन्हें ना फीवर हो गया, बुखार आ गया, आगे से चलो उनको दवाई दिलाते। बस कुछ टाइम पे हम पहुंच जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं अभी, भैया के पास में, लवम भाई के पास में जा रहे हैं हम, पहुंच जाएंगे कानपुर। वाओ, ये देखिएगा आपके शहर कानपुर। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था, हम आने वाले हैं लवम भैया के पास में, सो फाइनली अभी पहुंच गए हैं, मिलिएगा भैया से। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके जहाँ भैया रहते हैं, और देखिएगा क्या क्या बना के लेके आए हैं भैया हमारे लिए, देखिएगा। तो भैया, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मेरा भाई आया है जिसको मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ टिकटॉक टाइम से, और इनके वीडियो सच में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जो है वो रियल है, जैसे आप कैमरे पे देखते हैं वैसे ही रियल में, सच में। थैंक यू भाई, थैंक यू। और अभी हम बहुत अच्छा शूट करने वाले हैं, जो कि भैया हमें लेके जाएंगे एक लोकेशन पे, सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है? तो वो मेरे शॉर्ट्स में देखने के लिए मिलेंगी और इंस्टा पे देखने के लिए मिलेंगी। और भैया का भी इंस्टा आईडी और यूट्यूब चैनल है, जिसका क्या नेम है भैया? लवम पाठक। लवम पाठक, ओके। सो गाइज, लवम पाठक भैया के भी चैनल पे वीडियोस आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, ठीक है? सो इस तरह से बने रहिएगा। ये देखिएगा समेत, जुनैद भाई, इधर में प्रियंका, तो आप लोग भी आ जाइएगा, भैया ने इतने प्यार से बनाया तो खाते हैं। तो गाइस, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं कन्नौज के लिए, और देखिएगा हमारे साथ में कौन कौन है। ये मिलिएगा आयुषी दीदी से, और ये भैया साथ में जा रहे हैं प्रियंका, और अभी हमें एक और मिलने वाले जो कि हमारे ऋषभ भाई, सो बने रहिएगा, उनसे भी मिल पाऊंगा। और हम लोग कहाँ जाने वाले भैया? कन्नौज, इत्र और इतिहास की नगरी। हाँ, इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज में। किसको उठाया गया? हाँ, सो गाइस, बहुत ही ज्यादा एंजॉय, मजा आने वाला है इस ब्लॉग में, इसी तरह से बनी रहिएगा, बहुत अच्छा अच्छा हम शूट करने वाले हैं, है ना दी? हाँ, बिल्कुल। हाँ, और दीदी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, और क्या आयुषी कुमारी नाम है, आईडी का क्या नेम है आपकी? आयुषी कुमारी 222। अच्छा, ओके। सो गाइस, सारे लोग दीदी को बहुत सारा सपोर्ट करना है, पहली बात करते हुए, और दीदी के आज इंस्टाग्राम पे 50 के कम्प्लीट हो गए, है ना? हाँ, तो बहुत जल्दी से 1 लाख हो जाए, 1 मिलियन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी ही हो जाएंगे, बस लगी रहो, है ना? और हो जाएंगे, अभी हम लोग अच्छा अच्छा शूट भी करेंगे ना साथ में मिलके, है ना? चलो गाइस, ठीक है, मिलवाता हूँ आगे ऋषभ भाई से, और बस पहुँचने वाले हैं हम लोग 4 बजे पूरे, है ना? सो गाइस, देखिए हम रास्ते से जा रहे थे, ये देखिए मोर बैठा हुआ है, सीरियसली सामने से देखा, रुके रहो, यही रुके रहे हो तो। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गाइस, फाइनली मैं आ गया यहाँ पे ऋषभ भाई के घर पे, ये रहा ऋषभ भाई का घर। और यार, तुमने बड़ा लेट कर दिया। गाइस देखिए, यहाँ पे चाय पी रहे हैं ऋषभ भाई के घर पे, ये मम्मी जी, ये मेरी मम्मी गाइस। हाँ, ये ऋषभ भाई की मम्मी, हमारी मम्मी, और ये पापा जी है। और यहाँ पे देखिएगा चाय पी रहे हैं हम सारे लोग, है ना? आप लोग भी आ जाइएगा, अभी हम फिर निकलते हैं शूट के लिए कन्नौज जा रहे हैं। देखो सारे लोग यही गाड़ी में हम लोग, पर वो बहुत ज्यादा मस्ती, मजा आ रहा है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, है ना ऋषभ? रवि को ज्यादा आ रहा है, बैठा कहाँ है? हाँ, तो कोई बात नहीं, भाई भाई बैठे है ना दोनों। ये देखो, ये केक के मजे अकेले अकेले ले रही, देख लो डब्बा। अच्छा, सही है सही है। लवम भैया जो जहाँ के रहने वाले हैं, सही तो है, जहाँ के रहने वाले हैं वो, हम उनके गांव में आ चुके हैं, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत ही प्यारा व्यू है, जो कि आप लोग के लिए हमारी शॉर्ट वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? देखिएगा गाइस, कौन सा है ये? ओ वाओ, ये घर आ गया, लवम भैया का घर आ गया, गाय बैठी हुई है, ये सामने में मंदिर है, जय माता दी। सीरियसली आ गए, क्या हुआ, ज्यादा थकाई लग गई क्या? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी बहुत सारी वीडियो बनानी, डांस करना है, फिर क्या होगा, फिर टूटेंगे पैर। ये लो बोले, फिर टूटेंगे। तो फाइनली आ गए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? ये वहाँ भी है, प्यारा सा घर, सच में गांव में बड़ा सुकून मिलता है, सीरियसली बताऊँ तो, है ना ऋषभ? ये लो, ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। देखिएगा भैया के रूम में हम आ चुके हैं, लवम भैया का रूम बहुत ही प्यारा है, एकदम। ओ वाओ, क्या बात है, थैंक यू भैया, और बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत प्यारा घर है, सीरियसली, और चिल्ड है एकदम से रूम। आ जाइएगा, और भी दिखाता हूँ, ओ वाओ, बहुत ही प्यारा बना रखा है भाई। हाँ, मतलब गांव के अकॉर्डिंग बोले तो बहुत ही अच्छा बना रखा है। हाँ जी,
एकदम से चिल्ड सुकून मिला सीरियसली। मैं थक गया थोड़ा सो जा रहा हूं। ये देखो सो जैसे हम घर आए थे यहाँ पे लेके आ गए थे भैया कोल्ड ड्रिंक और इतना कुछ नाश्ता लेके आ गए थे। ये देखिएगा जुनैद भाई, आयुषी दी, प्रियंका और ये देखिएगा इतना कुछ भैया लेके आए तो बड़ा ही अच्छा लगा। चलते हैं आगे और आगे का शूट दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली राजा भाई आ चुके हैं और हम लोग शूट करने जा रहे हैं। अभी अभी मैं भी चेंज होने जा रहा हूँ और राजा भाई भी चेंज होने जा रहे हैं ना, ड्रेस हम लोग मतलब और बाकी बहुत अच्छा। हम देशभक्ति 15 अगस्त के लिए स्पेशल वीडियो शूट करने वाले हैं, है ना। हाँ तो चलिए गाइस चलते हैं, हम रेडी वीडियो ओके आके दिखाते हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो शूट करने वाले हैं। सो बने रहिएगा, आते हैं रेडी होने के बाद। इसमें फाइनली अभी तो रेडी हो गया जो हमारा सूट था और जो शख्स मिलने वाले थे हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा वेट कराया उन्होंने, सीरियसली क्या ही बताऊं। सो मिलिएगा आप लोग टेंटेड एंड थोड़ा सा हम लोग बाइक से आ रहे थे ना, स्कूटी से, इस वजह से। और दूसरी चीज भैया का प्यार यहाँ पे हमको खींच करके लाया, अरे बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले प्रणाम भैया को, है ना। और अभी हमने ही ब्लॉग इनके साथ अभी शूट देंगे, थोड़ी देर में हम भी करेंगे शूट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सारा शॉर्ट्स भी हम लोग करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए राजा भैया के चैनल पे और मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। बहुत स्वागत तुम्हारा। हाँ भाई बहुत अच्छा, हाँ बहुत ज्यादा वेट किया ना आप लोगों ने, 24 घंटे कराया भाई ने। चलो कोई ना, अभी पकड़ के रख लेंगे, जाने नहीं देंगे। एक्चुअली होता क्या, पहले अकेले थे तो कहीं भी चले जाते थे, अभी फैमिली के साथ में तो उनके लिए थोड़ा सा कोई ना होता है होता है। चलिए कर लेते हैं सूट, आप चेंज कर लीजिए राजा भैया, है ना, फिर कर लेते हैं। सो गाइस ये देखिएगा यहाँ पे हम सूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये राजा भैया, ये लवम भैया और ये सुमित और मैं खड़ा हुआ। हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि क्या सूट करना है, कौन सा सॉन्ग शूट करना है, तो मैं राजा भाई को आपको बता रहा हूँ मतलब इस तरह से। सो बहुत ही शानदार वीडियो, जो कि ये वीडियो जो हमारा अभी शूट हो रहा है इस टाइम पे, ये वीडियो आप लोगों के लिए मेरे चैनल में शॉर्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। सो आप लोग देर मत कीजिएगा, जाइएगा मेरे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो चुका है, बहुत ही शानदार मज़ेदार वाला वीडियोस है। सो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हम देखिएगा बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि क्या ही मैं बताऊँ। यहाँ पर देखिएगा कितने सारे लोग हैं वहाँ पर बैकग्राउंड में, देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ लगी है। सुमित यहाँ पर शूट कर रही है, लवम भैया खड़े हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर मैं एकदम से रेडी हो गई। देखिएगा ऋषभ भाई एंड आयुषी दी, ये भी देखो मस्ती कर रहे हैं, अपने मस्ती में लगे हुए हैं। और ये देखिएगा एकदम से हम पूरा रेडी हो गए अपने सॉन्ग के लिए, सॉन्ग हमारा बस बजने वाला है। और मतलब बहुत ही मेहनत के साथ में, सीरियसली इतनी धूप भी पड़ रही थी यहाँ पे, मैं प्रॉपर अपना एक्ट कर रहा था तो राजा भैया को हंसी आगे बोल रहे थे दोबारा से शुरू करो, यहाँ पर थोड़ा सा वो आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि फ़ोन से ही सॉन्ग चल रहा था और नहीं तो थोड़ा सा साउंड होता है ना तो ज़्यादा ही मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कोई ना, फिर भी हम लोगों ने मतलब फ़ोन से ही किया। और ये देखिएगा मैंने यहाँ पे अपना एक्ट पूरा एकदम से शुरू कर दिया, बहुत ही शानदार वीडियो जो बन के आएगा वो मिलेगा आपको शॉर्ट्स में देखने के लिए। अब मैंने तो अपलोड कर दिया है, बस आप लोग की देखने की बारी है, आप लोग देखिएगा। और ये देखिएगा राजा भैया के क्या एक्सप्रेशन होते हैं, क्या ही बताया जाए। यहाँ पे प्रॉपर शूट चल रही, देखिएगा कितने सारे लोग देखने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थे, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सारे लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर। मैंने मतलब पूरा एक बार मिस्टेक हो गया था तो दोबारा से मैंने कहा था चलो दोबारा से ट्राई करते हैं, तो राजा भैया ने कहा था ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग कमेंट में बताना ये मैं कौन सा सॉन्ग कर रहा हूँ। और देखिएगा और भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है जो कि मैं अपने मुँह से क्या ही बयां करूँ, जो कि आप लोग के लिए मेरे शॉर्ट्स में ही देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये देखिएगा प्रॉपर एकदम से शानदार वाला एक्ट चल रहा था यहाँ पर, ये देखिएगा मुझे भी थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा लग रहा था क्योंकि वो भी एक कलाकार, मैं भी एक कलाकार, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। सो ये देखिएगा पूरा यहाँ पे हम लोगों ने शूट करने के बाद में, वो है हमारे सबसे प्यारे रवि सागर भाई। ये कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और आपको देखा तो और अच्छा हो गया। अभी सच में मैं बहुत सारे एक्टिंग वगैरह करता हूँ ना, वो क्या होता है ना एक्ट वैक्ट, तो सच में मैं इनके सामने आया तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये रियलिटी है ऐसा चीज़ है, क्योंकि जिस व्यक्ति को देख करके सीखता है इंसान आगे बढ़ता है। इसलिए तो सबसे पहले भैया को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, जिनको देख करके मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ा। और अभी भी ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक्ट करने के इनके साथ में मौका मिला, इन्होंने दिया। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े भाई हो, ऐसा कुछ नहीं। आप अभी फिलहाल अभी मैं कन्नौज में हूँ, कल तक हमारा हम सोच रहे हैं ना कुछ और शूट करें, बहुत अच्छा अच्छा शूट करने वाले हैं, है ना। बोल दीजिए मेरे, मैं आपके लिए क्या ही बोल सकता हूँ भाई, जो भी करते हैं राजा भाई,
एकदम अलग। गाइस ये ब्लॉग मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। सीरियसली बहुत ज्यादा मजा आया, राजा भाई के साथ में शूट किया हम लोगों ने, और ये देखिएगा हमारे ऋषभ भाई, और उधर आयुषी दी, उधर हमारे लवम भैया, और उधर देखिएगा प्रियंका एंड जुनैद भाई, ये है टैटू सारे लोग। तो ऋषभ भाई कैसा रहा आज आज का हम लोग का शूट? बहुत अच्छा था गाइस, देखिए बारिश हो गई तो हम देख भी गए थे, हाँ लेकिन मजा आया ना, मजा बहुत आया। आप कुछ बताइए। बहुत अच्छा शूट था आज सच में, रवि भैया के साथ काम करके साथ में रह के बहुत अच्छा लगा। अभी तक मतलब जितने भी क्रिएटर आए ना मेरे पास, तो लगभग सबसे अच्छा निशान भाई का लगा। थैंक यू सो मच। और हम कल कुछ अच्छा वाला शूट करने के लिए कहाँ जाने वाले हैं? कल हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पास में एक गांव है, तो हम लोग कितने टाइम पुराना है, मतलब ऐसा करीब 40-50 साल आपको पीछे ले जाएंगे, ऐसा लगेगा 1970 या 1960 में है। सो गाइस आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं उस चीज से, कलर्ड होगा लेकिन जो थीम क्रिएट करेंगे वो काफी पुरानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अभी। सो आप लोग इसी तरह से वेट कीजिएगा थोड़ा सा, और ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भर भर के कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, धमाकेदार वीडियोस के साथ में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।